बहुत अच्छा रिकॉर्ड है आपका। ठीक है ठीक। अच्छा आपका कोई एक्सपीरियंस है? नो सर, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आपके अबू क्या काम करता है? सर रिटायर वापस। अच्छा तो आपसे क्या पूछा जाए। अच्छा ये होता है, व्हाट इज एब्रिविएशन ऑफ आपका? वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी। यार बात सिंपल सी है, आप टैलेंटेड आदमी हैं, हमारे पास सीट एक है और कैंडिडेट आपके सामने, आप सुबह शहर में आप देख रहे हैं, सिफारिशों का भी भरमार है, लोग हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि ये जॉब हासिल की जाए, आप पैसों का अरेंजमेंट कर सकते हैं कुछ? सर पैसों का अरेंजमेंट सर कितने अरेंज करना पड़ेंगे? ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 लाख। सर 2 लाख रुपए? सर 2 लाख का तो मैं अरेंजमेंट नहीं कर सकता। क्या आप 2 लाख रुपए का अरेंजमेंट नहीं कर सकते? अगर आप 2 लाख रुपए का अरेंजमेंट नहीं कर सकते तो ये नौकरी आपको नहीं मिल सकती, आप जा सकते हैं। सर मुझे आज पता लग गया है कि यहाँ पर टैलेंट की कोई कदर नहीं है। सर आपने खुद ही तो कहा है कि मुझ में टैलेंट है और मैं इस नौकरी के काबिल भी हूँ। सर मुझे एक मौका जरूर नहीं, इंशाल्लाह मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। सर अगर आप पैसों का बंदोबस्त नहीं कर सकते तो ये नौकरी आपको नहीं मिल सकती, ना आप अपना वक्त जाया करें ना हमारा वक्त जाया करें, आप जा सकते हैं। सर मुझे इस नौकरी की ऐसी जरूरत है सर, सर मैं बहुत मजबूर हूँ सर, सर मुझे एक मौका जरूर दें सर। आपको मैंने कह दिया ना आपको ये नौकरी नहीं मिल सकती, आप जा सकते हैं। अंदर जा रहा हूँ, नजर नहीं आता। वो अंदर तो जाता है मगर किस लिए जाता है? अब भाई जॉब के लिए जा रहा हूँ और क्या। तुम्हें किसने बताया ये अंदर नौकरी तुम्हें मिलेगा? खान साहब मुझे मेरे दोस्त ने बताया है कि यहाँ पर एक वैकेंसी खाली है, मैं उसके लिए आया हूँ यहाँ पर, मैं पढ़ा लिखा हूँ। और कुछ अब मैं जाऊँ? ओ भाई एक मिनट रुको साहब, अंदर मसरूफ है, तुम नहीं जा सकता। हम साहब आप अंदर साफ जाए कहोगे लड़का नौकरी के लिए आया है। मैं तो इधर कोई नौकरी छोकरी नहीं है, तुम जाओ साहब अंदर मसरूफ है, उन्होंने रोका है। किस किस्म की शोर है सर? ये कोई लड़का है कहता है कि मुझे नौकरी चाहिए, अंदर आने की बार बार कहता है। जी क्या मसला है सर? मैं जॉब के लिए आया। जी बैठे। थैंक यू सर। अच्छा तो आप जॉब के लिए आए? जी सर मुझे सर मेरे एक दोस्त ने बताया था कि यहाँ पर एक सीट खाली है, और सर मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है और सर मैं इसी जॉब के लिए मैं यहाँ आया हूँ। ये रहे मेरे डॉक्यूमेंट्स सर। एक मिनट, ये डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास रखें और ये बताएं कि आपके वालिद साहब क्या करते हैं? सर वालिद साहब की तो मेरे बचपन में ही डेथ हो गई थी और सर मैं शुरू से अपने मामू के पास रहा हूँ। ओहो वेरी सैड। बहरहाल अब ये बताएं कि आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है? सर जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि मैंने अभी ग्रेजुएशन किया है और सर मेरा कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है और सर मैं आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सीख जाऊंगा। अच्छा तो तुम मेरे ऑफिस में काम सीखना चाहते हो? जी सर। देखो बरखुरदार, ये दफ्तर है कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं, आप इस तरह करें पहले कहीं नौकरी करें वहाँ से सीखें फिर आप जॉब करें। जी सर। जी हम सिर्फ एक्सपीरियंस स्टाफ रखते हैं मेरे पास, या तो आप किसी अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखते हों या आप किसी ऑफिसर के बेटे हों फिर तो हम आपको रखें। आप ऐसा करें कि किसी जगह जाके ट्रेनिंग लें, जॉब करें, वहाँ सीखें, उसके बाद जो है आप कहीं नौकरी करने का सोचें। आप जो है तशरीफ ले जाएं यहाँ से। सर क्या मतलब? सर अगर आप हमें नौकरी नहीं देंगे तो सर हम सीखेंगे कैसे? सर मामूली होने की बुरी बात नहीं सर, आप भी तो कभी मामूली थे। क्या तुम कौन हो तो जो मुझे मामूली कहने वाले? तो तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई, तुम्हारी औकात ही क्या है? बशीर खान, बशीर खान सर। सर जी, आप जी।
सर आप मेरे बात सुनने की कोशिश करें सर। इस तरह करो इन साहब को इधर से दरवाजा छोड़ दो। सर नहीं सर, आप तुम सही करते हो अंदर मेरी चल के बगैर किसी को ना आने देना। सर ले जाओ, चलो चलो ले जाओ। सर आप चलो भाई साहब, चलो चलो, साहब ने कह दिया तो आप तो नहीं ठहरोगे। चलो जाते जॉब करने के लिए। यार अभी तक इधरान नहीं पहुंचा। यार परेशान क्यों होते हो, देखो वो आ गया। हाँ भाई पहुंच गए। यार अदनान, हाँ तेरी नौकरी का क्या बना यार? नहीं यार वो नौकरी नहीं मिली। हाँ यार मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, मुझे भी नौकरी नहीं मिली। क्या वजह थी? पैसा मांगते हैं लोग यार, हर तरफ यही हाल है। मैं भी जहाँ गया हूँ वहाँ पर उसने कहा है कि तजुर्बा हो। कहाँ से लें तजुर्बा यार? तजुर्बा काम करने के बगैर कहाँ से मिलता है? जब तक हम काम नहीं करेंगे तजुर्बा कहाँ से मिलेगा यार? यार कमाल है यार, हमें अपने शहर में भी कोई नौकरी देने को तैयार। यार यहाँ के लोग ही ऐसे हैं। मेरे तो यही मशवरा है कि तुम लोग यार क्यों ना यार हम सब लोग मिलकर किसी और शहर चलते हैं। क्या यार किसी और शहर चलोगे तुम? अपने शहर में किसी ने नौकरी नहीं दी, किसी और शहर कौन देता अच्छा है? कोई नौकरी देता? कोई नहीं देता। क्या किया जाए यार? अब जाए तो जाए कहाँ, खुदकुशी करें। यार खुदकुशी करे तेरे दुश्मन, तू क्यों परेशान होता है? यार आखिर कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा। क्यों ना यार हम चारों मिलकर कोई बिजनेस शुरू करें। बिजनेस शुरू? ताहिर साहब बिजनेस के लिए पैसा चाहिए होता है। तेरे पास अगर पैसे हैं तू लगा पैसे, अगर बिजनेस चल गया हम तीनों का जितना बनेगा तू हमसे ले लेना। यार मेरे पास पैसे कहाँ से है? बस तेरे पास भी नहीं, इसके पास भी नहीं, इसके पास भी नहीं, मेरे पास भी नहीं, क्या करें? चोरी करें? चोरी 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 क्या हो गया तुझे? यार खैर तो है। क्यों मैंने क्या कुछ गलत कह दिया? नहीं नहीं तूने ना बहुत अच्छी बात की है। दिल तो करता है कि मैं ना तुझे फूलों का हार पहनाऊं। ओए पुलिस यार मजाक कर रहा है। नहीं अरे बात करता है चोरी की। पुलिस का नाम सुनते ही भागना शुरू हो गया। यार चोरी चोरी को छोड़ो, कोई ऐसा काम सोचो जिससे हमें कोई मकबूल आमदनी हो। मकबूल आमदनी कैसे होगी? पैसा काम किए बगैर आता नहीं और काम करने के लिए हमें कोई नौकरी नहीं देता। मुझे तो एक ही बात समझ आती है बस, और वो है चोरी। यार तेरा बड़ा ही गंदा ज़हन है, बस जिस चक्कर में तू लग जाए और तेरे ज़हन में कोई बात आती नहीं है। चल तू तो बड़ा सियाना है ना, तू दे कोई मशवरा दे। बस चुप लग गई है। देखा मेरे मुंह से ये बात कितनी बुरी लगती है। अब मैं दावे से कह रहा हूँ कि तुम तीनों इसी बारे में सोचो। यार एक बात तो तय है, नौकरी हमें मिलती नहीं है और पैसा हमारे पास है नहीं, तो चोरी करें या डकैती। यार वैसे मुझे ना आंसू की बात कुछ हद तक ठीक लगती है। तू ठीक कहता यार।